गढ़ी मलहरा में ओबीसी महासभा के तत्वावधान में सामाजिक परिवर्तन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के नेता शामिल हुए। नेताओं ने अपने वक्तव्य में ओबीसी समाज को एक होने की बात कही। इस मौके पर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, मंत्री महेंद्र सिंह, पुष्पराज पटेल, लोकेंद्र गुर्जर, ब्रजेंद्र सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सच तो यह है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों को न भारत से प्रेम है न इंडिया से प्रेम है। भारत से प्रेम इनका दिखावटी है। अगर सही माने में भारत से प्रेम होता तो अभी एक हफ्ता पहले, इस मांग के एक हफ्ता पहले इन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने। अगर भागवत जी को पहले से मालूम है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन है, इंडिया के भी दुश्मन है, भारतीय संविधान के भी दुश्मन है और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन है। क्योंकि भाजपा और आरएसएस के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भारत का माना गया है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लोकप्रियता, उनकी विद्वता, उनकी जीवंतता इनसे देखी नहीं जाती, इनको पच नहीं रहा है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध। जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए।